गाइस रोज बोलते हो श्वेता को प्रपोज करो, तो ये लो भाई अक्षिता को आज मैं रोज दूंगा, और जाके श्वेता को बोल दो कि श्वेता तुझे लाइक करता है, ठीक है? बोले हाँ या ना, पूछ तो सही, आंसर तो पूछ पहले यार। हम क्या कर रहे हैं? कैसे लोग है भाई? देखो ये हमारे इंडिया की सोसाइटी है भाई। आप गंदे को लोगे तो लोग खड़े नहीं होंगे। शूट कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे। हाँ ये बात नहीं होती यार, पता है क्या चक्कर होता है, है? तो इसको भी बोलो सिगरेट फेंके। तो अब जब हमें बोल रहे हैं अंकल, है? हमने आपको मना किया, आप इसको बाहर है, हमने मना किया, इनको नहीं मना किया। चलो ठीक है। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने घर से करते हैं। जैसे देख रहे हो आज हमारे पेरेंट्स घर पे क्यों है मेरे को पता नहीं है, आज छुट्टी है, कोई कमेंट करके मेरे को बताना। तुम्हारे भाई की ना थोड़ी सी आज तबीयत खराब है। मैं रात को सोया था भाई, मैंने ना पिलो बड़ा वाला रख दिया था। मेरे को आदत ऐसी है ना, मैं जब टीवी देखता हूँ पिलो ऐसे रह जाता पीछे, तो बस उसी की वजह से पूरी नेक ना भाई ना तो राइट मुड़ रही है ना लेफ्ट मुड़ रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। अभी का जो मेन सीन है, मैं चाहता हूँ अपनी आर स्टैंडर्ड की पहले अंडरबेली मंगवा दूंगा, क्योंकि आपको पता है हमने रैप का पूछा तो रैप उन्होंने पहले ऑर्डर नहीं किया हुआ, जो सबसे अच्छी मेरे को लगी थी। तो इसमें ना भाई वाला पोर्शन होता है जो कि भाई अभी 3200 समथिंग की मिल रही है। तो इसमें देखो ये कलर्स भी हैं आरएस 200 की मॉडिफिकेशन वाले, तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। ओके, तीन चार दिन में ये चीज आ जाएगी, तब तक के लिए मेरी बाइक का रैप वगैरह का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई लोग दो तीन दिन हो गए रैप अरेंज नहीं हो रहा भाई से। तो देखते हैं विक्की भैया के पास जाते हैं, विक्की भैया क्या बोलते हैं, अगर उनके पास अवेलेबल हो जाएगा तो वहीं चलते हैं। एक्चुअल में दो गाड़ियां अंदर लगी होती है, तो इसको ना निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सोच रहा हूँ इस नंबर प्लेट को ही निकाल दूं यार, मैंने फोल्ड करके रखी कब से, तुम कमेंट करके बता निकाल दूं या नहीं निकाल दूं, क्योंकि फुल फैमिली से मैं हर एक चीज पूछता हूँ। चलान वगैरह का सिस्टम है ना, मैंने एक सर से पूछा था, मतलब जो बिल्कुल मेरे खास थे, तो उन्होंने बोला कि एक लिमिट दी होती है चलान करने के, भाई दिन के 50 करने ही करने, जो मर्जी हो जाए। तो खुद सोच लो भाई फिर किस तरह की गेम है ये सारे चलान वगैरह जो ऑनलाइन होते हैं, डिजिटल चलान, कुछ भी हो जाए उन्हें चलान करना है। तो फिर ये सोचो तुम कि भाई एक लिमिट कैसे हो सकती है, भाई हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है हमें गाइड करने के लिए होते हैं, ना कि भाई के चलान करने, मतलब सारी चीजें जो भी चल रहा है ना मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बट तुम कमेंट करके बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। ब्लैक कलर का धुआं दिखाता हूं अंदर वाली साइड से, ये देखो ये S4 RS है ना, बहुत टाइम से हमने इसको वॉश भी नहीं करा, अभी इसको वॉश करते हैं जल्दी से जल्दी। कैसे मारते हो? ओ भाई क्या बात है यार, आराम से रोड के बीच में नहीं मारना, ब्रेक वगैरह लगवानी थी, तुम गिर जाओगे कहीं, रोड के साइड पे मारा करो सर, ठीक है? सो अभी तुम यकीन मानोगे ये बाइक ना भाई एक महीने से वॉश नहीं हुई है प्रॉपर वाली, जो फोम वॉश होता है ना, जब से शुभम का एक्सीडेंट हुआ ना तब से मेरा मन ही नहीं करता इन बाइक्स वगैरह को वॉश करने का। अभी मैंने इसको ना पूरा स्नो में डाल दिया, एक बार ग्रीस अगर टायर के अंदर लगी भाई ये साफ होती नहीं है, बहुत कोशिश कर रहे हैं भैया। मन करके बताओ आप लग रही है ना सेक्सी अपनी वुल्फ अपने अंदाज में भाई, नाक ना थोड़ी टेढ़ी होगी भाई, नाक को थोड़ी सीधी कर देंगे। ओके विक्की भैया क्या हाल है, पसीना आ गया? आज तो बहुत मेहनत चल रही है, सच बात लग रहा है ना। ये रैप कहाँ से मिलेगा मेरे को ये चीज बताओ, कौन सी मार्केट में जाए जहाँ पे रैप मिले? R15 का वाइजर लगा हुआ, ऑडियंस मेरी बोल रही थी R15 वाला वाइजर अच्छा नहीं लगता है, बोलो इसको क्या महंगा है तो भैया बोल रहे कि मेरे लिए पूरा रोल मंगा देंगे। मेन चीज पता कि यार मैं अपनी आर स्टूडेंट में ना यार पेंट भी करवा देता, लेकिन पेंट जो है इनसे पूरा मैच नहीं होगा, जो मैं इनको बोलूंगा फिर बाद में यार मदने का मूड ऑफ हो जाता, वो फायदा नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा था रैप अगर मिलता तो बेस्ट रहता, तुम कमेंट करके बताओ यार क्या करना चाहिए। तीन दिन से ऐसे ना दर बदर फिर रहा हूँ भाई इस चीज के लिए, मैं चाहता हूँ बाइक मॉडिफाई करूँ, तो तुम बोलोगे भाई वही करने वाला हूँ मैं। ओके फुल फैमिली हियर इज द मॉडल, तैयार किसको किया ये बताओ, तो ये पहचानी नहीं जा रही मेरे को लड़की यार, ये कौन लड़की है मेरे को ये चीज बता। नहीं ये वो लड़की नहीं है, बिल्कुल भी ये वो लड़की नहीं है, जो परसों मेरे साथ मिली थी वो कोई और ही थी बेचारी, सिंपल डिसेंट थी। ये क्या बना दिया इसको तुमने? इसने ना श्वेता ने इसको रेडी किया, और पानी बोल रही थी ना बर्फ वाला लाना, तो मैंने पता कौन सी शॉप देखी जो नहीं और नहीं इसको नहीं यार। पानी क्यों पी रहे? देखो भाई ये कितने से वेपर से इसके पीछे बाहर वाली से को प्यास लगी हुई, उसके लिए जैसे अमृत हो जाता ना। मॉडल है अक्षिता तेरी फ्रेंड, इसको रेडी क्यों किया तूने आज, ये बता इसका क्या रीजन है? मेरा टेस्ट था। क्या बोला मैम ने? क्या बोला? रेडी करने से तुम्हारे को डिग्री भी उग्री भी मिली है? कुछ नहीं, ऐसे बस रेडी करते रहेगी रोज मॉडल्स वगैरह। कौन सा डिप्लोमा है ये इनका? हाँ जी, ब्लॉग में देखा था, जो मेरे को बोल रही थी तेरे चेहरे से ना भाई पता नहीं क्या लग जाता तेरा, श्वेता का कुछ चल रहा है वो 700 कमेंट्स आए हैं तो तुम जीत गए हो। सो गाइस ये लड़की ना अभी इंसान लग रही है थोड़ी, पहले इसका मेकअप ऐसे था, मुझे लगता है भाई मेकअप फेल हो जाएगा। जो मैम ने पास किया श्वेता को तो पास कैसे होगी वो? सो फाइनली गाइस अभी मेकअप की क्लास हो गई है इस लड़की की। अक्षिता एक मिनट इधर आना यार, मेरे को वो बात बतानी थी ना, वो जो अंदर बताई थी। हाँ क्या एक बात बता, नहीं ऐसे नॉर्मल सी बात है यार, नॉर्मल। तू इधर रुकना एक मिनट सेकंड के लिए, तू इधर ही रुक दे एक मिनट रुक यार। ओ यार इधर आ जा तू यार, इधर आ। पता को बहुत बुरा लग रहा है, वो रोने चढ़ी हुई है यार। पता क्या है, मैं सोच रहा हूँ मैं इसके साथ ना फेक प्रपोज प्रैंक करने वाला हूँ। नहीं फिर
फिर से नहीं जाता ना लड़की बोलेगी क्या फूल मैंने तेरे हाथ में पकड़ाने इसको प्रपोज करेंगे तू बोलना कि शोएब तेरे को पसंद करता है ठीक है देख रही है मैं तो ऐसी नॉर्मल बात करूँ वो आ रही है उधर क्या हुआ ओ यार ऐसी बोल रही है कुछ बात करनी है एक मिनट रुक जा तो मैं तू फ्लावर्स लाना तू खुद देना बोला शोएब तेरे को पसंद करता है ठीक है हम इसका रिएक्शन देखेंगे मुंह पे कैसा होगा नहीं फीलिंग के साथ क्या खेलना है इसमें कोई कौन सी फीलिंग है इसमें यार टेस्ट कर रहे हैं ना यार रियल वाला प्रपोज भी बाद में कर देंगे ऑडियंस तो बोलती रहती है प्रपोज कर दे नहीं करना यार मैंने प्रपोज कर नहीं करना यार मैंने रुकना यार चलते फिरते मैंने दिमाग में आइडिया बना दिया हुआ है पता नहीं फ्लावर्स की शॉप कहाँ भाई आपको पता है यार किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना ना अच्छी बात नहीं होती है बट यार मैं ऐसे एक बार सॉरी बोल दूंगा फिर बाद में बस ठीक भाई आप ठीक हो मुझे एक चीज बोलो यहाँ पे फ्लावर्स कहाँ से मिलते हैं हाँ वाइल्ड वुल्फ आपके पास कौन सी बाइक है बड़ी प्यारी बाइक है यार R1M हाँ याद है भाई एक साल पहले इस बाइक का मैंने रिव्यू किया था R15M का अपने चैनल पे राइड करो और मेरी वाली करवा दो चलो यार वुल्फ में देखो कितनी ज्यादा पावर है भाई कितनी आगे निकल गई मेरी वाली से भाई इसका गियर ही खत्म हो गया यार वो देखो कितनी आगे निकल गई ओ भाई क्या कर रहा है यार रोज ना मैं श्वेता को देने वाला वो भी प्रैंक कर रहा हूँ ये वाला पैक करना यार कॉल आ रही है यार देख रहे आप इसको मैं क्या बोलूँ यार हेलो यार एक दोस्त गिर गया यार यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था इसका बस आ रहा हूँ मैं अब ओ यार मेरे बंदा था सब्सक्राइबर था एक ठीक तो है ना ठीक है बस आ रहा है वाकिया यार मानना पड़ेगा भैया को यार क्या बात है यार यार आ रहे थे यार इसका एक्सीडेंट हो गया था लंबा पड़ा हुआ था रोड पे ये वो बैठा हुआ मैं इतने कॉल करूं वो नहीं दिखी तुम्हें नहीं यार वो उसको एक्सीडेंट ओ यार कहां लगी तेरे को बताना इसको कहां लगी हां अक्षिता चले हां चल क्या रहा यार बात करनी है इसके साथ यार अब कौन सी बात है पहले मेकअप वाली थी अब कौन सी है दूसरी बात है ना एक और यार क्या करनी है वो बात इधर करनी है पार्क में यार इसके साथ अक्षिता के साथ करनी है क्या हो गया तुझे यार चल ना हां तो तू भी आना अंदर बैठे हमने छांव में दो मिनट के लिए बैठ जाना बेंच पे अच्छा तो ये लो भाई ये रोज लाया हुआ मैंने तो मैं देता हूँ अक्षिता को अक्षिता करने वाली प्रैंक श्वेता के साथ मैं ठीक हूँ दिखने में बता जरा मेरी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी यार क्या करूँ यार गाइस रोज बोलते हो श्वेता को प्रपोज करो तो ये लो भाई अक्षिता को आज मैं रोज दूंगा और जाके श्वेता को बोल दो कि श्वेता तुझे लाइक करता है ठीक है होने वाला है प्रैंक तो फेक प्रपोज प्रैंक यार ये अक्षिता जा रही है श्वेता के पास है रोज लेके पीछे बोलने वाली बात तो ये है इतना प्यारा रोज दिया किसी ने बोल रही है कि तुमने भेजा है स्पेशल हाँ ना पूछ तो सही आंसर तो पूछ पहले यार कुछ नहीं और अंकल वीडियो शूट हो रही है गलत काम नहीं कर रहे अंकल कैमरा ऑन है हमारा हाँ तो कार्ड है ना चैनल है हमारा यूट्यूब पे कैमरा लगा हुआ सामने चैनल है ना हमारा क्या देखना है वाइल्ड वुल्फ करो सर्च 2.5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे मेरे हाँ चैनल है हमारा तो हम तो बच्चों को निकालो फिर यहाँ क्यों खड़े हो तो बच्चों वाले कुछ है नहीं बुरी हाँ जगह नहीं है आप गलत काम कर रहे हो सर कौन बड़ा गलत यहाँ नहीं ऐसे करो बाकी बच्चे भी हैं यहाँ खड़ा हो रहा है हमने कोई गलत नहीं तो इनको बोलो भाई हमारा काम हाँ हाँ आप बोल दो इनको जो भी है सर तो मैं बोल रही हूँ हमने उन्हें इकट्ठे करके लाए हैं यहाँ पे आप लोग खुद खड़े हो हाँ खुद आप देख रहे हो काम करो सब का नहीं अपने अपने जिसको काम है वो कर लो अंकल पता क्या हम अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं हमारा चैनल है हम ऐसा वैसा नहीं करते करते जी जी हमारा काम है ठीक है चलो आप गांधी को लोगे तो लोग खड़े नहीं होंगे ये कौन सा काम है हाँ बाहर जाके यहाँ मर्जी करो तो ये पार्क में हाँ ये बीड़ी सिगरेट पी रहे तो हमें भी कर हाँ तो ये भी क्यों कैसे कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे आपने नहीं करने देगा कोई भी कोई नहीं करने देगा चले जाओ आप यहाँ से कैसे लोग हैं भाई देखो ये हमारी इंडिया की सोसाइटी है भाई आप ही का पार्क आपका पार्क है ठीक है हम लोकल हैं हम भी लोकल हैं यहाँ के लोकल वाले तो लोकल गांधी नहीं बोल सकते गांधी हाँ हम अपनी शूट कर रहे हैं सिगरेट पी रहे हाँ ये बात नहीं होती यार पता क्या चक्कर होता है हाँ नहीं यार ये देखो हमारी
भाई अपना दूसरा पार्क है नीचे। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं ना कर। ओ यार कोई बात नहीं, अक्षिता छोड़ यार, अक्षिता आ जाओ। अच्छी बात है, पहले मुझे ये बताना। नहीं कोई बात नहीं छोड़, इनको अंकल को लग रहा है ऐसे गलत है, सिगरेट पी रहे हैं तो ये इनकी भी गलत है। हम नहीं बुलाने थे। तो इसको भी बोलो सिगरेट फेंके फेंके फेंक से। तो अब जब हमें बोल रहे अंकल है, हमने आपको मना किया, आप इसको बाहर है, हमने मना किया, इनको नहीं मना किया। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आओ आ यार, वो छोड़ ना यार, चला जाए। देख रहे हो उसमें, हमने तो ना उनको बोला, बीच में कर रहे हैं तो वो बोल रहे पार्क से बाहर निकलो। हाँ कैसे निकाल सकते, पहले मुझे ये बताओ। अगर पार्क का छोड़ो, कोई बात नहीं अक्षिता, छोड़ ना यार, छोड़ रहे, चलो चलते यार। अरे कोई बात नहीं यार, अंकल बोल रहे हैं छोड़ रहने दे। गलत वाली कोई बात ही नहीं है, अब वो उनका सिगरेट पी रहा है, वो बच्चे नहीं देख रहे हैं। चल छोड़ रहने दे, इसके साथ बहस नहीं करनी। यहाँ के लोग, तेरे को मैं पहले ही बोला, नहीं लोगों के साथ बहस नहीं करनी है। खींचते फोटो रुको अभी यार, कैसे हो, ठीक हो, कैसे हो, ठीक हो, ठीक हो भाई। हेलो हेलो, देखो कितनी सारी ऑडियंस है अपनी भाई यहाँ पे यार। खींचते खींचता हूँ फोटो, रुको रुको। तो भाई ये चेक करो अपनी ऑडियंस के साथ, सबके साथ फोटो हाई बोल दो अपनी फुल फैमिली को। क्या करूं, मारूं उसको बुढ़े को? एज उसकी कितनी है, 70 एज, 80 होगा एज, है ना अक्षिता? सुनो कोई बात नहीं, हम एजुकेटेड है ना। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ कितना गंदा सीन हुआ भाई पार्क में, तो अभी ना हमने केक लाया हुआ, अक्षिता को रो रो के भाई बुरा हाल हो गया, क्योंकि इसको बहुत हर्ट हुआ कि भाई पार्क में लोगों ने हमारे से इतनी गंदी तरीके से बात की। हाँ जो सिगरेट पी रहे थे वहाँ, वो भी बहुत गंदा काम था भाई। सबसे गंदा तो वही होता, स्मोकिंग बोलते हैं कि पब्लिक प्लेस पे नहीं करनी चाहिए, उनके लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हम एक नॉर्मल सा प्रैंक कर रहे हैं जो कि इस लड़की को पता भी नहीं था। अभी इसको हमने बताया अक्षिता ना कि हम तेरे से प्रैंक करने वाले, रो रही थी इतनी यार, आई देखो इसकी। अक्षिता के लिए तुम सब लोग ना कमेंट्स में हर्ट रेड कलर के हर्ट भेज देना इसके लिए, ताकि रोई ना, इसको बहुत हर्ट हुआ। यहाँ से केक कट करते हैं, केक पे नाम जो लिखा हमने, ये गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा हमने खत्म करना, क्यों करना है, जम्मू के लोगों के लिए हमने केक रखा है, वो हम कट करने वाले। अब जितना गुस्सा है ना इस केक पे, हम गुस्सा निकालेंगे, ठीक है, ये जम्मू के लोगों के लिए भाई, लेकिन सारों के लिए नहीं है, ओके, जो लोग अच्छे हैं वो अच्छे ही हैं, ताकि अक्षिता को बुरा ना लगे। खंजर बनाना है, तो चलो भाई खंजर बना के हम, ये 1 2 3 भाई, ये लो, आग का सारा गुस्सा ना इस केक पे निकल गया, ओके, जैसे तैसे अभी हंसने लगी है फिर से। मैं खाऊं क्या? अच्छा वैसे केक तो बहुत टेस्टी था, लेकिन जो हमने इसको कट किया जिस वे में, उस वे में वो बहुत गंदा था। यहाँ से भाई अभी ना थोड़ा अच्छा फील हुआ, थोड़ा केक वेक कट किया और इसमें थोड़ा सा बचता था वो हम घर लेके जाएंगे। तो जब यहाँ से श्वेता साथ में, अभी उसकी फ्रेंड भी वहाँ, वो भी वेट कर रही है वहाँ पे, ओके। ख्याल रखना, टेंशन नहीं लेना, जो भी हुआ भूल जाओ, लेट इट बी, मेटाडोर के पीछे पीछे आए हैं हम। हाँ ताकि तेरे को ना बुरा वगैरह ना लगे। सब्सक्राइबर जो थे ना, कब से मेरे साथ है भाई, अब कुछ फैमिली होती है ना भाई जो दिल से कनेक्ट होती है ना, तो इतनी हमदर्दी थी इसको, तो तभी हम साथ है, तो हेलो कर दो। तो ये इनका यूट्यूब चैनल है रिधिमन सुगोत्रा भाई, तो जाके सब, हाँ तो जाके सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई को यार, पूरे दिन मेरी हेल्प की इसने आज।